मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच सेज प्लेज और पॉन। सो फर्स्ट हम प्लेज और पॉन, अब हमने लास्ट क्लास में बेलमेंट किया था, सो उसी का आगे फर्दर वी आर स्टार्टिंग इज विद प्लेज और पॉन। सो इट सेज द बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड अ प्लेज। अब हम जब बेलमेंट कर रहे हैं गुड्स के, बेल हम कर रहे हैं किसी के पास अपने गुड्स रख रहे हैं, तो हमें क्या, क्यों हम गुड्स रख रहे हैं? इट इज जस्ट फॉर एज अ सिक्योरिटी। क्यों, क्यों हम सिक्योरिटी के तौर पर अपने गुड्स रख रहे हैं? क्यों, क्योंकि या तो हमें कोई डेट पे करना है या फिर हमें कोई परफॉर्मेंस हमारी ड्यू है, हमने जो प्रोमिस करी थी उसको हमें कंप्लीट करना है। तो जो बेलर होगा इस केस में वो पॉनर हो जाएगा, बेली होगा पॉनी हो जाएगा। बेलर का मतलब क्या होता है? जो गुड्स अपने डिलीवर करता है और बेली जो गुड्स रिसीव करता है। सो द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द पॉनर एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द गुड्स इज कॉल्ड द पॉन। ए बोरोज रुपीज हंड्रेड्स फ्रॉम बी एंड कीप्स हिज वॉच एज अ सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ द डेट, द बेलमेंट ऑफ अ वॉच इज कॉल्ड अ प्लेज। सो अब बेलमेंट हमारी कैसे, हमने बोला कि ये बेलमेंट मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे 100 रुपीज बोरो की है, आपने बोला मैं 100 रुपए ऐसे नहीं दूंगा, आपको अपनी घड़ी मुझे एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तो वो एक बेलमेंट, जो एक इस बेलमेंट हो गया, जो घड़ी का बेलमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेज। आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आपको बोलती है कि मैं ऐसे लोन नहीं दूंगा, आपको मुझे कोई सिक्योरिटी पेपर देने पड़ेंगे, सो दैट सिक्योरिटी पेपर्स इज कॉल्ड अ प्लेज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे या तो हमें लोन को सिक्योरिटी एज अ लोन हम बात कर रहे हैं या फिर ऑब्लिगेशन हमें फुलफिल करना है, सो दैट इज देयर एज अ पर्पस। बट बेलमेंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट कैन बी फॉर एनी अदर पर्पस, इट कैन बी फॉर रिपेयर, सेफ कस्टडी, या फिर कोई यूज है हमारा, हमें किसी का गुड्स को यूज करना है, ग्रैटिट्यूस पर्पस हो सकता है, नॉन ग्रैटिट्यूस पर्पस हो सकता है, इट कैन बी फॉर एनी पर्पस। एज टू राइट ऑफ सेल इन अ क्लेस ऑफ प्लेज, द प्लेज हैज अ राइट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स प्लेज। अगर आप किसी के पैसे वापस नहीं करते या हम बैंक के पैसे वापस नहीं करते, तो आफ्टर सर्टेन नोटिस ऑल्सो, तो बैंक के पास पूरा हक होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर दे, सो दैट इज राइट टू सेल। वेयर एज बेलमेंट में जो बेलर है वो, बेली है वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता, ही और शी नीड्स टू रिटर्न द गुड्स बैक। सो द बेली में ईदर रिटेन द गुड्स और स्यू द बेलर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ इट्स ड्यू। या तो वो गुड्स को अपने पास रख सकता है या फिर बेली जो है उसको हम स्यू कर सकते हैं, बट हम उसके गुड्स को सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एज टू राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स। इन द केस ऑफ प्लेज, द प्लेजी हैज राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स प्लेज्ड, वाइल नो सच रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट फॉर द बेली इन द केस ऑफ बेलमेंट इफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर सो। इन द केस ऑफ प्लेज, द प्लेजी हैज नो राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स प्लेज। प्लीज आई एम रिपीटिंग दिस लाइन की उसके पास यूज, अगर आपकी, आपने, मैंने आपको अपनी घड़ी दी है तो आप मेरी घड़ी यूज नहीं कर सकते हो, बट अगर हम उसमें बात करें बेली के केस में, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है। अगर मैं आपकी कार आपसे ले रही हूँ यूज करने के लिए, सो डेफिनेटली आई विल यूज दैट कार फॉर माई ओन यूज। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ द पॉनी। पॉनी की हम राइट्स की बात करते हैं, राइट्स ऑफ रिटेनर। पॉनी के पास गुड्स लेने रखने की जिम्मेदारी या फिर प्लेज जो उसने किए हैं वो रख सकता है जब तक पॉनर उसको उसके पैसे वापस नहीं कर देता या फिर जो भी ड्यू है उसको रिटर्न नहीं कर देता, जब तक तब तक हम उसके गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ रिटेनर फॉर सबसीक्वेंट एडवांसेस। अब रिटेनर की हम बात कर रहे हैं, तो कौन रिटेन कर रहा है? पॉनी रिटेन कर रहा है। जब इसमें लिखा है पॉनी ने मनी लेंड किया है, आपने मुझे पैसे दिए हैं
द सेम डेटर आफ्टर द डेट ऑफ प्लेज विदाउट एनी फर्दर सिक्योरिटी इट शैल बी प्रोड्यूस प्रिज्यूम द राइट ऑफ द रिटेनर ऑफ द प्लेज्ड गुड्स एक्सटेंड ओवर सब्सिक्वेंट एडवांसेस. मैंने आपसे पहले बारी लोन लिया, आपको मैंने अपनी घड़ी दे दी एज अ प्लेज. सेकेंड टाइम आपने मुझे फिर से लोन दिया, उस टाइम पे आपने मेरे से कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली, बट आप मुझे मेरे गुड्स तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं आपकी दोनों गुड्स को रिटर्न ना कर दूं, दोनों लोन्स को रिटर्न ना कर दूं. क्लियर? नेक्स्ट है राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. द पॉनी ऑल्सो हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड. द पॉनी हैज अ राइट टू रिकवर. हमारी पॉनी के पास राइट है किस चीज का? रिकवर करने का. जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे हैं, अगर आपने उसके गुड्स को ढंग से संभाल के रखने के कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, अगर आप मेरी घड़ी को संभाल के रखने के कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मुझे आपको पे करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है राइट टू स्यू द पॉनर और सेल द गुड्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर. अगर कोई भी डिफॉल्ट हम करते हैं उसके ऊपर पॉनर को हम स्यू कर सकते हैं. अगर वो हमारे पैसे लोन नहीं दे रहा है तो हम उसको स्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पॉनी. अब हमने राइट्स बताए, अब हमारी ड्यूटी क्या क्या होगी. अगर हम मैं बोल रही हूँ आप मैंने मेरी वॉच ली और मैंने आपसे लोन लिया है, सबसे पहला काम क्या होगा? आप मेरी वॉच का ढंग से ध्यान रखोगे, रीजनेबल केयर रखोगे, रीजनेबल केयर के साथ गुड्स यूज करोगे. नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स प्लेज्ड. ऐसे कोई भी गलत यूज आप गुड्स का नहीं करोगे. आप मेरी वॉच अपनी वॉच के साथ मिक्स नहीं करोगे, और कोई भी वॉयलेशन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको आप अननेसेसरली उसको गलत नहीं प्रूफ करोगे. गलत प्रूफ इन द सेंस कि आप उसको मिस यूज नहीं करोगे उस चीज का. टू रिटर्न द गुड्स, जैसे ही मैं आपको लोन दूंगी वापस आपका रीपे करूंगी, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है आप मुझे मेरे गुड्स जो मैंने प्लेज किए थे वो आप रिटर्न करोगे. अगर मैंने, अब जैसे हम एक्रिशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कैट या डॉग दिया था इन रिटर्न आपके लोन के, और उसके बेबीज हो जाते हैं, सो एक्रिशन हम उसको कहते हैं, वो एक्रिशन आपको मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी. अब हम पॉनर की बात करते हैं, अब मेरी बात हो रही है जिसने लोन लिया है. अब मेरे पास क्या क्या राइट्स है? सबसे पहले मेरे पास पहली राइट है कि मैं ये अश्योर करूं कि जो भी पॉनी है, मतलब आप पॉनी है, तो वो सारी ड्यूटीज अपनी फुलफिल कर रहा है या नहीं फुलफिल कर रहा. डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम. अब पॉनर हु डिफॉल्ट्स, अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ पेमेंट में जो कि एक स्टिपुलेटेड डेट पे था, तो मेरे को भी ये होगा कि आप मेरे गुड्स पहले टाइम से पहले सेल ऑफ नहीं कर सकते. आप मुझे एक सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम दोगे उसको रिडीम करने का, तब आप उसको दोबारा रीसेल कर सकते हो. नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ अ पॉनर. मेरी क्या ड्यूटी रहेगी? जो भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे हैं मेरे गुड्स को ध्यान रखने के लिए, मैं उसको आपको रीपे करूंगी. और कोई भी ऑब्लिगेशन है अगर स्टिपुलेटेड डेट पे और कंप्लाई करना है, सो वो भी मुझे फुलफिल करना पड़ेगा, या वो भी मुझे आपको रीपे करना पड़ेगा. सो दिस इज द ड्यूटीज ऑफ अ पॉनर. अब हम बात करते हैं प्लेज बाय नॉन ओनर्स. प्लेज बाय नॉन ओनर्स मतलब मैं आपको ऐसी चीज दे रही हूँ जिसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है. सबसे पहले आता है मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स. अब मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है?
अब जैसे हम बोलते हैं, हम किसी एजेंट के पास गए, हमें घर खरीदना था, किसी एजेंट के पास गए, उस एजेंट ने घर दिखाया और उसने बोला कि इसका, तो जो एजेंट होता है वो रियल ओनर नहीं होता, सो ही इज कॉल्ड अ मर्केंटाइल एजेंट बिकॉज ही इज नॉट द रियल ओनर, ही इज जस्ट अ इन बिटवीन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग द हाउस बट ही इज जस्ट वर्किंग फॉर एन एजेंट. तो ऐसा एजेंट जो कि हम उसके साथ वो अगर प्लेच कर रहा है गुड्स को, सो हम उसकी बात कर रहे हैं. सो मर्केंटाइल एजेंट मैंने आपको बता दिया कौन होगा. सच अ प्लेज विल बी वैलिड, एक वो वैलिड प्लेज मानी जाएगी इवन इफ द एजेंट हैज नो एक्चुअल अथॉरिटी टू प्लेज प्रोवाइडेड द पॉनी एक्ट इन द गुड फेथ एंड हैड नॉट एंड हैज नॉट एट अ टाइम ऑफ प्लेज एनी नोटिस दैट द पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज. हमारा जो वो मैं प्लेज करूंगी, मैं अथॉरिटी नहीं है मेरे पास उस घड़ी की, बट जब मैं वो प्लेज करूंगी तो वो एक वैलिड प्लेज मानी जाएगी जब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं हो कि मैं वो प्लेज नहीं कर सकती, बट जब मैं वो प्लेज कर सकती तो एक वैलिड प्लेज मानी जाएगी. Persons in possession under voidable contract. A person having possession of goods under voidable contract. Voidable का मतलब क्या होता है? जो person एक साइड से दूसरे person को sue कर सकता है. One of the parties can sue. One of the party can sue the other party because उनकी तरफ से हमारा contract voidable हो जाता है. अब इसमें क्या है? A person having possession of goods under a voidable contract can make a valid pledge of the goods provided the contract has been rescinded at the time of pledge and the pledge act has acted in a good faith without the notice of pledger's defective title where A purchases a ring from B by exercising coercion pawns it with C before the contract is rescinded by B the pledge is valid. So, अब इसमें क्या बोला मैंने आपसे, एक रिंग परचेज करी है कोएर्जन से आपको डरा धमका के, और जब तक आप मेरे को स्यू करते उससे पहले ही मैंने आगे किसी को सेल कर दी वो रिंग, तो वो एक वैलिड प्लेज मानी जाएगी बिकॉज आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पहली बात है रिसेंड ही नहीं किया, कैंसिल ऑफ ही नहीं किया, मुझे कुछ स्यू ही नहीं किया. नेक्स्ट वी हैव प्लेज pledger having limited interest where the person pledges goods in which he has only limited interest the pledge is valid to the extent of the that interest thus a person having a lien over the goods may pledge them to the extent of the interest for example A delivers a suit length to B the tailor master for making the suit and agrees to pay 1500 as sewing charges. अब हम सूट का मटेरियल देके आते हैं टेलर को और टेलर हमसे 1500 रुपीज उसके चार्जेस मांगता है. अब बी ने प्लेज किया द सूट विद सी फॉर ₹3000, हमने टेलर को दिया, टेलर ने आगे उस सूट को प्लेज कर दिया 3000 का. सो द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट बीज इंटरेस्ट इन द सूट नेमली 1500 रुपए तक का उसका इंटरेस्ट है सूट में, तो जब वो उसको रिकवर हो जाएंगे तो वो उसको वापस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है सेलर इन द पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल. अ सेलर लेफ्ट द पोजीशन ऑफ गुड्स इज नो मोर द ओनर ऑफ द गुड्स बट अ प्लेज क्रिएटेड बाय हिम विल बी वैलिड प्रोवाइडेड जो पॉनी होगा वो एक गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और उसने नोटिस दे दिया है. नेक्स्ट बायर इन द पोजिशन ऑफ गुड्स अंडर अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या डिफरेंस होता है? अग्रीमेंट की हम अभी हम मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ दैट आई विल सेल माई गुड्स टू यू इन सम नियर फ्यूचर. सो अग्रीमेंट टू सेल ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स वेयर द बायर अंडर एग्रीमेंट टू सेल वेयर इन द गुड्स टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस और ऑन एक्सपायरी ऑफ सम टाइम ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ गुड्स विद द सेलर्स कंसेंट बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड प्लेजेस देम द प्लेज इज वैलिड प्लेज मानी जाएगी प्रोवाइडेड द प्लेज एक्टेड इन द गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस
ऑफ द प्लेजर्स डिफेक्टिव टाइटल, उसकी डिफेक्टिव टाइटल की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो नहीं, उसका नोटिस नहीं था तो वो नहीं माना जाएगा। को ओनर का मतलब जब एक ही चीज के दो ओनर्स होते हैं, वो पोजीशन में होते हैं, अगर वो करते हैं, अगर सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं एंड वन ऑफ द को ओनर्स, वो एक वैलिड प्लेज मानी जाएगी। आप भी ओनर है, मैं भी ओनर हूँ, तो अगर मैं उसको आगे प्लेज कर रही हूँ तो वो एक वैलिड प्लेज मानी जाएगी। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस, प्लीज लेट मी नो। Ansh, which point you are asking me? Co-owners? All the PDFs are there online on Google Classroom. सारे PDFs Google Classroom पे already available है, आप देख सकते हैं। Any doubts to anyone in this topic? It was pledge, bailment and pledge. Seller in the possession of goods after sales. This is first point number four. So it says that the seller, जिसके पास possession नहीं, अब जब हमने सामान बेच दिया है तो मेरे पास उसकी ownership नहीं है, but अगर मैं pledge create करती हूँ उसके against, तो एक valid मानी जाएगी, जब तक पौनी जो है वो act करेगा good faith में और उसके पास कोई prior notice नहीं है कि वो good sell हो चुका है। Clear? Let's start with the next topic. Possession का मतलब होता है आपके पास वो गुड्स है या नहीं है। Let's start with the next topic. Next topic we have is agency. एजेंट एंड अ प्रिंसिपल दो अलग अलग नाम होते हैं। एजेंट होता है कि मैंने एक मुझे एक कार सेल करनी है, मैं एक एजेंट को इम्प्लॉय करती हूँ, एक मिडल मैन को इम्प्लॉय करती हूँ जो मेरे बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करेगा कि मेरी कार है एंड ही इज सेलिंग दैट कार। सो द रियल ओनर मैं ही रहूंगी, बट
ही वुड बी द पर्सन हु वुड बी रिप्रेजेंटिंग इट। और प्रिंसिपल कौन होगा? प्रिंसिपल होंगी मैं, एजेंट होगा वो। सो दिस इज, हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट वी हैव टू इम्पॉर्टेंट रूल। सबसे पहले, वट एवर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे डू बाई हिमसेल्फ और ही मे डू थ्रू एन एजेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। इन फैक्ट देयर वेयर द वर्क हैज टू बी डन इज ऑब्वियसली पर्सन, नो एजेंट कैन बी इम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन के नॉट मैरी थ्रू एन एजेंट, cannot paint a picture through an agent and so on. So अगर हम बोलते हैं उसकी, हम skills पे बात कर रहे हैं, qualifications की बात कर रहे हैं, through an agent accepts। अब जैसे किसी के पास personal skills है, मैंने बोला मैं painting draw कर सकती हूँ, मुझे painting draw करने का order मिलता है, तो ऐसा नहीं है मैं किसी और एजेंट को एम्प्लॉय करके पेंटिंग करवाऊंगी, वो मुझे ही करनी पड़ेगी। सो आई कैन नॉट एम्प्लॉय अ एजेंट इन बिटवीन। सो जिस भी पर्सन जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, जिसके पास पर्सनल क्वालिफिकेशंस है, ही नीड्स टू डू द वर्क हिमसेल्फ ओनली। वो कोई भी एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है।